हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर है वो बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं वाटर करवाता है, जैसे हाइड्रोलिसिस में, जैसे प्लांट में फोटोसाइंथेसिस के दौरान वाटर एज ए रिएक्टेंट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनवाता है, और बहुत सारे रिएक्शंस में वाटर यूज होता है। वाटर हमारी बॉडी में 70% है, हमारी अबंडेंट मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है, सबसे प्रोटीन से भी ज़्यादा है, टर्गर प्रेशर देता है, सेल को टर्जिडिटी देता है, हाइड्रोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म में देता है, पानी सपोर्ट देता है, शेप देता है सेल को। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि आँख के अंदर जो टीयर्स हैं ये वाटर है, ये आपको फ्रैक्शन से बचाता है। आप आँख ऐसे झिमकाएँ, आप ब्लिंकिंग जो आईज की हो रही है ये कैसे आई बॉल के साथ टच होने से उसको रबिश क्यों नहीं कर रही आई बॉल को? ये ऑयल, ये पानी है ना, फ्रैक्शन को कम करता है। आपके घुटनों में सारे जो जॉइंट हैं जोड़ों में, वो पानी है, वो पानी क्या करता है, फ्रैक्शन को कम करता है, इजीली मूव करवाता है, ये भी पानी है इसका काम। और ब्रेन के अंदर पानी है, ब्रेन को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, ब्लड के अंदर 55% जो है पानी है। उसके अलावा आपके जो जो आपका ब्रेन है उसके अंदर पानी जैसा कोई फ्लूड है, इसका नाम CSF है। ठीक है, तो तमाम पानी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी है, न्यूक्लियस के अंदर पानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था वाटर डायपोल मॉलिक्यूल है, बायपोलर मॉलिक्यूल है, एसिड तौर भी काम करता है, बेस तौर भी काम करता है। तो वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का मॉलिक्यूल है, याद है? अब मुझे कमेंट में बताएं, अगर वाटर सॉल्यूशन में डालें, डालने के बाद वाटर उस सॉल्यूशन को हाइड्रोजन दे, H+ आयन दे, तो मुझे बताएं वाटर ने एसिड तौर काम किया या बेस तौर? H+ आयन दे एसिड तौर, और अगर OH आयन दे तो बेस तौर, दोनों तौर काम कर सकता है वाटर। इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी थी और कोवलेंट बॉन्डिंग, पार्शियल कोवलेंट बॉन्डिंग पड़ी थी। पार्शियल कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बच जाती है बॉन्डिंग के बाद, और हाइड्रोजन के बाद पास स्लाइटली बॉन्डिंग करने के बाद भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बच जाती है। पढ़ा था उस जो स्लाइटली चार्ज बच रही है ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन के पास, उसकी वजह से दो दो यानी चार बॉन्ड और बन रहे हैं, एक वाटर के साथ चार वाटर और मिल रहे हैं, इसे हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, चार वाटर एक पानी के साथ। अब मुझे बताएं ये जो वाटर और वाटर का आपस में कनेक्शन है, इस फोर्स को हमने क्या किया कहा था, कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स? बताएं बताएं बताएं, कमेंट में नहीं आया कमेंट, अभी आए तो मैं लिखूं। वाटर और वाटर के बीच जो फोर्स है भाई, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच हो, जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, वो अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एज कोहेसिव फोर्स। ये किसकी वजह से, कौन सी बॉन्डिंग की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल नहीं दिया था मैंने तलवार का, तलवार लेकर आए पानी को काटें फिर जुड़ जाएगा। अच्छा, पांच पानी के मॉलिक्यूल हैं, एक को निकालेंगे एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो बाकी सारे भी साथ जाएंगे या नहीं, या टूट जाएंगे? साथ जाएंगे। तो ये जो साथ पानी का बहना है, साथ जाना है, पानी का साथ रहना है, ऐसे पत्थरों को ऐसे करते हैं, पत्थर एक एक हो जाता है, पानी एक एक होता है, कतरा पानी का एक एक मॉलिक्यूल जुदा होता है? नहीं। तो पानी क्यों साथ रहता है? पानी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, पानी पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, कोहेसिव फोर्स है। और हमने एक और बात भी पढ़ी थी पानी के बारे में कि वाटर जो है एक और फोर्स भी रखता है जिस फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
मगर बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, डिसिमिलर मॉलिक्यूल अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक है वाटर, दूसरा मालिक है मॉलिक्यूल है कोई भी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, अच्छा हाइड्रोफोबिक के साथ, हाइड्रोफोबिक में पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, हाइड्रोफोबिक पानी को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं पढ़ाया था, पोलर वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर और पोलर के बीच, मगर ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है ना, ये कोई और होंगे मॉलिक्यूल, वाटर नहीं होंगे, तो वाटर और एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जैसे सेल्यूलोज है, जैसे प्रोटीन है, ये हाइड्रोफिलिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर है, ये हाइड्रोफिलिक है, तो अगर कोई सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है पता है, जो आपकी कॉटन है ना, कॉटन ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, जो आपके पेजेस हैं, पेपर हैं, ये सेल्यूलोज के बने हुए हैं, तो अगर पानी पेज पर डालें, कॉटन पर डालें, कॉटन पानी को एब्जॉर्ब करेगी या पानी को धक्का देगी, एब्जॉर्ब करेगी, अगर पानी आप ऑयल में डालें या ऑयल पानी में डालें या लिपिड के साथ मिलाएं, तो क्या लिपिड और ऑयल पानी के साथ मिलेंगे, नहीं, लिपिड में पानी एब्जॉर्ब होगा, ऐसा समझ लें मैंने ग्लव्स पहन लिया शॉपर का और पानी में हाथ डाला फिर निकाला, ग्लव्स उतारे तो पानी हाथ के साथ टच ही नहीं हुआ, क्यों टच नहीं हुआ, बीच में क्या थी, शॉपर थी, अगर शॉपर नहीं थी, हैंड ग्लव्स शॉपर के ना होते, कॉटन के बने हुए होते, पेपर के बने होते, पेज के बने होते, तो पानी मेरे हाथ को टच करता या नहीं करता, क्यों, पेज को क्रॉस करके आता, तो जो ऑयल और लिपिड है शॉपर के तौर काम करते हैं, पानी को क्रॉस नहीं होने देते, क्योंकि पानी पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो एडहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करे, दोनों मॉलिक्यूल एक से चेंज हो, ऐसे फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। अब बताएं वाटर और सेल्यूलोज के बीच कौन सा फोर्स है, कोहेसिव या एडहेसिव, वाटर और प्रोटीन के बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेसिव या एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स, एडिशन मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, तो भाई ये पानी को अट्रैक्ट करेंगी, हाइड्रोफिलिक होंगी तो अट्रैक्ट करेंगी ना। अच्छा सुने, जाइलम है, जाइलम पढ़ा है, जाइलम, जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर ये मॉलिक्यूल हैं किसके, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल के बीच ये जो फोर्स है, जो पानी पानी के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कोहेसिव फोर्स, और जो पानी है, ये जो दीवार है प्लांट के, जाइलम के सेल की, ये सेल वाल की बनी हुई है, और आपको पता है सेल वाल किसका बना होता है, किसका बना होता है, सेल वाल सेल्यूलोज की दीवार है, तो मुझे बताएं क्या पानी सेल्यूलोज में जजब होगा या नहीं, जजब होगा, अटैच होगा, तो पानी और पानी का जो आपस में फोर्स है वो कोहेसिव, पानी और सेलुलोज का बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, पानी और सेलुलोज की सेलवाल की वाल के बीच जो फोर्स है वो एडहेसिव। अगर सुने, ये जो दीवार है ये सेलुलोज की ना होती, ये लिपिड की होती, क्या ये पानी यहां पे रुक सकता, क्या ऐसी प्लेन जगह हो आप यहां से चढ़ सकते हैं, नहीं, अगर आपको हाथ हाथ रखने के लिए कोई जगह दी जाए फिर आप चढ़ जाएंगे ना ऊपर फोर्स लगाकर, ऐसी स्लिपरी जगह से कैसे चढ़ेंगे, हाथ ही नहीं पड़ेगा, तो वाटर का अट्रैक्टिव फोर्स होता है सेल्यूलोज के साथ, इसी वजह से वाटर जो है जाइलम में एक दूसरे के साथ भी अटैच होता है और सेल्यूलोज के साथ ही अटैच होता है, यानी जाइलम में वाटर जो मूव करता है कौन से फोर्स यूज करके मूव करता है, कोहेसिव भी और एडहेसिव भी, पानी के साथ कोहेसिव और पानी का सेल्यूलोज के साथ एडहेसिव, ये दोनों फोर्स नहीं होते तो क्या पानी ऊपर जा सकता, चलो अगर कोहेसिव फोर्स निकाल लें, कोहेसिव फोर्स ना होता खाली एडहेसिव होता तो पानी ऊपर जा सकता है, नहीं, फिर भी नहीं, क्योंकि एक पानी ऊपर जाएगा पीछे वाला टूट जाएगा, कोहेसिव फोर्स नहीं होता तो, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल स्टोमेटा से निकलता है ना, ट्रांसपायर होता है ना, उसकी जगह नीचे वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर, उसकी जगह ऊपर, उसकी जगह ऊपर, तो ऐसे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स मिलकर ये काम करते हैं, वाटर की मूवमेंट करते हैं, ये भाई
दो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी वाटर की, तीसरी प्रॉपर्टी सुन लें, कोएसिव और एडहेसिव फोर्स के बाद एक प्रॉपर्टी है वाटर की, क्या? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरी कैपेसिटी भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये गौर से सुनने हैं भाई, अब सुने, अगर पानी के ऊपर एनर्जी लगाएं, तलवार लगाना एनर्जी नहीं है क्या? एनर्जी है। आग लगाना एनर्जी नहीं है क्या? एनर्जी है। अगर आप पानी को हीट दें, मतलब हीट, मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी दें, तो जो पानी है वो हीट के देने से जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं होता। जो लोहा होता है, स्टील होता है, जिस्त होता है, वो जल्दी गर्म होता है। आप पानी को भी धूप में रखें, लोहे को भी धूप में रखें, पानी गर्म होगा या लोहा? चाय पका रहे हैं भाई, चाय का पानी और दूध जल्दी गर्म होता है या चाय वाला बर्तन? बर्तन। तो वो कौन है दुनिया का पहला नंबर मॉलिक्यूल जो गर्म जल्दी नहीं होता, सारी एनर्जी खा जाता है, पी जाता है? पानी। तो पानी दुनिया का वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए गर्म नहीं होता। स्टील, जिस्त, लोहा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जल्दी गर्म हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो भाई पानी को गर्म करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। गर्म होगा, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, गर्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। जब ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तब गर्म होगा, एक लिमिट है। तो जो पानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी को कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ रही है बात? पानी में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है। अब सुने भाई, अगर आप 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पानी का, 1 सेंटीग्रेड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं पानी का, तो आपको 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए। 1 सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए पानी के 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कितना पानी हो? पानी हो 1 ग्राम, 1 ml 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम पानी का हो, उस 1 ग्राम की 1 सेंटी, सपोज करें इसका टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड, ये पानी है इसमें पड़ा है, टेम्परेचर कितना है 15 सेंटीग्रेड। अब इसका करना है कितना, 16 सेंटीग्रेड। कितनी सेंटीग्रेड बढ़ाई हमने? 1 सेंटीग्रेड। तो 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे कितनी एनर्जी लगेगी? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी लग जाती है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे, 1 ग्राम का, थोड़ा पानी हो। अब सवाल पूछ रहा हूं मैं, कमेंट में बताना, अगर 15 से 16, 16 से 17 सेंटीग्रेड कर रहे हैं तो मुझे बताएं कितनी कैलोरी चाहिए। चलो ये तो सिंपल था दो, अब मैं पूछूं एक अजीब सवाल, इतना डिफिकल्ट नहीं मगर आप गलत बताएंगे मेरे ख्याल से, अगर सही बता गए तो आपको ऑनलाइन गिफ्ट मिलेगा, ऑनलाइन इनाम मिलेगा। सुने भाई, सुने भाई, अब क्या है, क्या है भाई, टेम्परेचर है 15, कितना बढ़ा रहे हैं, 16, 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। पानी कितना है, 2 ग्राम। अब मुझे बताएं 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर एनर्जी कितनी लगेगी,
भाई ये क्या है? सब ने सही बताया, दो 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 दो, सबको तो इनाम नहीं मिल सकता। चलो समझे, कुछ कह रहे हैं एक, कुछ कह रहे हैं 1.5। देखे ना भाई, यहाँ पे एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, पानी कितना था 1 ग्राम। जब आप 2 ग्राम कर रहे हैं पानी, पानी क्या करें डबल, एनर्जी भी क्या लगेगी, 1 ग्राम पर 1 कैलोरी लग रही है 1 ग्रेड बढ़ाने पर। 2 ग्राम है तो 1 कैलोरी बढ़ाने के लिए 1 ग्राम 1 कैलोरी लेगा, दूसरा ग्राम दूसरी कैलोरी लेगा, तो 15 सेंटीग्रेड से 16, 1 सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, मगर पानी कितना हो गया है अब 1 से 2, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के लिए ऐसा समझो आपने 15 से 16 से 17 किया, मगर पानी ज्यादा था। समझ आ रही है बात? तो जितना पानी ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। कराची के साइड में समंदर है, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होती, सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती। क्यों भाई? कराची के आसपास समंदर है सारा, तो वहां पे पानी सारी हीट की एनर्जी खा जाता है, तो माहौल में गर्मी नहीं होती। सर्दियों में कोल्ड एनर्जी को खा जाता है, तो सर्दी नहीं होती। समझ आ रही है बात? तो पानी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे जो फ्लक्चुएशन है वो कम होगी। चलो चलो भाई, अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? आप कहेंगे सर हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने बॉडी में क्या रखा है, ज्यादा से ज्यादा पानी रखा है, इसका यही तो है फायदा कि जितनी भी गर्मी में आप काम करें आप स्टील की तरह लोहे की तरह उबलेंगे नहीं। आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत बहुत हीट खाकर फिर बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी पानी की जगह लोहे की बनी होती, आयरन की बनी होती, तो आप धूप में या सर्दी में काम कर पाते। सोलह से सत्रह के लिए 2 कैलोरी नहीं चाहिए, 15 से 16 तक एक, 16 से 17 तक दूसरी, यानी एक यहां पर टोटल 2। ठीक है सकीना बाबा, नैन्सी कह रही है, ठीक है ना। चलो सुने भाई, तो पानी का कितना फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। ये हमारी बॉडी का स्टेबलाइजर है, मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को हमारी बॉडी के को। अच्छा भाई, पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है? चौथी को तो पढ़ाई नहीं, पांचवी पे जा रहे हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप कहेंगे सर हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है जब पानी लिक्विड से वेपर का मतलब होता है गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। जब बहुत सारी एनर्जी हीट देंगे पानी को, फिर जाके पानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। ये भाई एक बर्तन है आपका, इस बर्तन में यहाँ पे क्या भरा हुआ है पानी, ये आपने क्या दी, हीट दे दी। पहले तो क्या होगा, हाई स्पेसिफिक हीट को इस्तेमाल करेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा ही नहीं, हीट खाता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, पानी को खाया नहीं जाता, ठीक है ना, खाता जाएगा। अगर आखिर लिमिट आएगी, ये गर्म होगा थोड़ा और। अब मुझे बताएं, ये जो एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं स्टार्ट करेगा बॉयल करना, तो बॉइलिंग करने में कौन सी बॉन्डिंग टूट रही है बताएं? जो पानी बॉयल कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर फिर बन रही है, फिर पानी वहीं का वहीं, फिर टूट रही है, फिर बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही है। जब ज्यादा से ज्यादा हीट देंगे 100 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाएगा, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद पानी का एक मॉलिक्यूल सारे पानी से टूट कर ये चला जा रहा है ऊपर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये जो पानी टूट कर ऊपर जा रहा है गैस के फॉर्म में, इसको कहते हैं वेपर है, ये गैस है। एक वाटर के मॉलिक्यूल को कहते हैं वेपर या गैस,
जो ट्रांसपेरेशन होती है पानी लीफ से निकलता है स्टोमेटा से, उसे भी ट्रांसपेरेशन या एवापोरेशन वेपराइजेशन कहते हैं। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने से ज्यादा एनर्जी देने से ये पानी क्या हो जाता है, उबल जाता है। उबल जाने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस बर्तन को हीट पे रख दें तो आखिर में क्या होगा, पानी बचेगा ही नहीं, पानी सारा उड़ जाएगा, क्या हो गया, वेपराइज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई सुने, वेपराइज होने के लिए 574 कैलोरी चाहिए एक केजी को वेपराइज करने के लिए। 574 कैलोरी चाहिए एक केजी को वेपराइज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है पानी को एवापोरेट करने के लिए। भाई अब मैं पूछूं आपसे, पसीना क्यों आता है आपको बताएं? पसीने को कहते हैं परस्पायरेशन, परस्पायरेशन। स्वेटनिंग क्यों आती है? सर्दी में आती है, गर्मी में आती है, क्यों? जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर 37 से बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी कहेगी यार बॉडी का टेम्परेचर कम करना चाहिए। तो जो पानी निकालना है, सारी हीट की एनर्जी बॉडी उसको देकर उस पानी को निकाल दिया। पता है अगर आपकी बॉडी में जितने भी लीटर है, मैं एक लीटर की बात कर रहा हूं, एक लीटर पड़ा है, एक लीटर मतलब कितने ml है, 1000 ml है। 1000 ml में आपके 2 ml निकलते हैं। जब 2 ml निकलते हैं ना, 2 ml जो एवापोरेट होते हैं, वो 1000 ml से जो बाकी बचे 998 ml को कूल कर देते हैं, कितना, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं। जब ये 2 ml निकलते हैं, इतनी हीट ये 2 ml लेकर जाते हैं कि बाकी जो पानी बचता है उसका अगर 38 सेंटीग्रेड हो गया है तो कितना पहुंच जाएगा, कमेंट में बताएं। अगर 38 था, 2 ml निकल गए स्वीट के फॉर्म में, तो बाकी 998 ml का टेम्परेचर कितना हो गया, 37 हो गया। तो भाई आपके बॉडी में टेम्परेचर को पसीने आने के बाद कैसे ठंडा हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए ये प्रॉपर्टी चाहिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन। सारी आपकी जो हीट सन के नीचे काम कर रहे थे गर्मी में, जो आपकी बॉडी में हीट आई वो सारी कौन लेके गया, पानी लेके गया स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, पूछूं सवाल पूछूं? अगर ये 2 ml के बजाय 500 ml होते 1 सेंटीग्रेड को कम करने के लिए, तो क्या नुकसान था? अगर पानी में हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती, यानी थोड़ी एनर्जी से पानी बॉयल हो जाता, थोड़ी एनर्जी से पानी वेपराइज हो जाता, तो 500 ml सपोज करें जाते, तभी 1 सेंटीग्रेड कम होती, तो नुकसान क्या था, कमेंट में तो बताएं, कोई नहीं बता रहा। नुकसान ये है कि पानी पूरा ही नहीं कर पाते हम, पानी पीते जाएंगे और खाली सारा दिन टेम्परेचर को बैलेंस करने, स्वीटनिंग बहुत होगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, स्वीटनिंग ज्यादा होगी, अब थोड़ा पसीना आ रहा है और जिस्म ठंडा हो रहा है, तो पानी पीने की जरूरत कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसीलिए थोड़ा पानी निकल रहा है और ज्यादा फायदा दे रहा है 1 सेंटीग्रेड, 2 ml निकलने से 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है आउट ऑफ 1 लीटर। अब अगर 5 लीटर होते, 5 लीटर होते तो 10 ml होता हमारा जो है स्वीट, और 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर टेम्परेचर हो गया है 37.5, सवाल बताएं मुझे कमेंट में, 37.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0.5 बढ़ गया है, 0.5 कम करना है, बॉडी में 2 लीटर हैं, कितने, 2 लीटर हैं, 2 लीटर हैं, बताएं कितना स्वेट करना चाहिए बॉडी को 37 तक पहुंचाने के लिए, कितना स्वेट करना चाहिए, कितने ml, 4 क्यों भाई, अगर 38 होता तो 4 कहते, 38 होता, सकीना 1, वेरी गुड, 1 क्योंकि 1 क्यों, 1 क्यों, 2 कहने चाहिए ना, 2 ml कह लेना, 1 नहीं,
एक ने चार, एक ने एक, क्या मैं देखूं क्या कितना होना चाहिए? भाई देखें, अगर मैं कहूं एक लीटर बॉडी में एक लीटर है, तो आप सकीना का आंसर सही था कि 1 ml निकालना पड़ेगा, तो 0.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। लीटर हैं दो, लीटर हैं कितने, दो, दो लीटर का 1 सेंटीग्रेड कम करना है तो 2 ml निकालने होंगे ना। नहीं आ रही बात समझ? सिंपल सी बात है, जब 2 ml एक लीटर का 1 सेंटीग्रेड कम कर रहे हैं, अगर 2 लीटर हैं तो 2 ml कितना टेम्परेचर कम करेंगे? 1 सेंटीग्रेड करेंगे? नहीं, आधा करेंगे, क्योंकि लीटर बढ़ गया, स्वीट वही हो रहा है, तो 0.5 का फर्क आएगा। 2 ml वाली बात समझ आई? अगर ना की ना तो यहां से मार्कर छोड़ूंगा। सर रिपीट। भाई देखें, आप बताएं कमेंट में, सुने सुना रहा हूं, आप सुनाएं। 1000 ml है, 1000 ml मतलब कितने लीटर हो गए? एक लीटर हो गया। इसका टेम्परेचर है 38, करना कितना है 37, तो 1 सेंटीग्रेड कम करने के लिए कितना स्वीट चाहिए? 2 ml। 2 ml जब पानी लॉस हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा? 998, उसका टेम्परेचर कितना बचेगा? 38 से लेकर 37 हो जाएगा, 37 सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना कम हुआ? 1 सेंटीग्रेड कम हुआ। अगर आप यहाँ पे 1000 ml की जगह पर 2000 ml लें, यानी 2 लीटर लें, 2 लीटर लें और स्वीट वही 2 ml है, 4 ml होना चाहिए ना, 2 ml ले रहे हैं, 2 ml स्वीट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं 38 से 37 होगा या 38 से 37.5 तक जाएगा, आधी पॉइंट कम होगी, बताएं। वेरी गुड, अब समझ आ गया। कमेंट में बताएं, ये वही बात है। ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हम अपनी बॉडी को कूल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गर्मी में काम कर सकते हैं, थोड़ा पानी निकाल कर बॉडी को ठंडा कर सकते हैं। अब इसके अलावा पानी की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, सुन ले। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो कि आ रही है आपको, खाली मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो पानी से दूर हटें, जो पानी को एब्जॉर्ब ना करें, जो पानी को रिपेल करें, यानी हाइड्रोफोबिक कौन है? लिपिड है, ऑयल है, फेट है, ये ठीक है ना, लिपिड ऑयल फेट हाइड्रोफोबिक है। ये पानी को अगर धक्का दें, बाहर निकाल लें, तो इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब मुझे बताएं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, अगर आप समझ गए होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है, मैंने सेल मेम्ब्रेन का मैंने टुकड़ा बनाया है। सेल मेम्ब्रेन में ये कौन सा रीजन है, कमेंट में बताएं। ये बीच वाला रीजन टेल वाला है या हेड वाला है? ये टेल वाला, और टेल क्या था? नॉन पोलर था। अब मुझे बताएं, क्या यहां पे पानी टिकेगा? क्या यहां पे पानी रुकेगा अगर आ भी जाए? अगर आ भी जाए, पहले तो आएगा नहीं, अगर आएगा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रो नॉन पोलर है, ये जो एंड है ये बिल्कुल हाइड्रोफोबिक है, बहुत बहुत हाइड्रोफोबिक है, ये सारी लिपिड हाइड्रोफोबिक है, मगर टेल सबसे ज्यादा। तो ये पानी को क्या कर देंगी? निकलो भाई। तो ये जो लिपिड पानी से दूर हट रही है या पानी को निकाल रही है बिटवीन द मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसको समझाने के लिए बुक वाले ने क्या कहा है, ये लिया है बीकर, उसने एक बीकर लिया है, उसके अंदर उसने रखा है पानी, और पानी के अंदर उसने डाला है क्या? ऑयल। ऑयल का एक कतरा डाला, उसके चौधारी क्या होगा? ऑयल के कतरे के चौधारी क्या होगा? कतरे के चौधारी क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। अगर दूसरा कतरा ऑयल का डालें, दूसरा कतरा डालें तो ऑयल के साथ मिलके रहेगा,
जब आयल के साथ मिलके रहेगा तो ये बीच वाले जो पानी के कतरे हैं यहाँ पे रहेंगे, बीच में बिटवीन टू आयल मॉलिक्यूल रहेंगे, नहीं निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर ये आयल के मॉलिक्यूल दो जुदा जुदा रहे तो मुझे बताएं पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा कॉन्टेक्ट में होंगे या एक साथ रहें तो ज्यादा कॉन्टेक्ट में होंगे, बताएं। आप कहेंगे जुदा होंगे तो पानी के साथ ज्यादा रिएक्ट करें, ये अगर साथ रहेंगे तो बीच वाले पानी को निकाल देंगे तो सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, और आयल के मॉलिक्यूल हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं, वो तो डेंसिटी की बात है, डेंसिटी कम है और हमेशा आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, इसका मतलब पानी को निकालते हैं, जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई, आपसे नहीं बनती, ये है हाइड्रोफोबिक एक्सीलेंट। अब मुझे बताएं सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट कौन देता है? प्रोटीन। अब मेरा सवाल गौर से देना, जवाब देना, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से जिंदगी भर नहीं टूटती या लिपिड की वजह से? क्यों वाटर नहीं डिसॉल्व करता सेल मेम्ब्रेन को लिपिड की हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से? प्रोटीन कभी ना कभी डिसॉल्व हो जाएगी, प्रोटीन कभी ना कभी डिसॉल्व हो जाएगी, मगर जो लिपिड है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो पानी को अंदर आने ही नहीं देती। तो मुझे बताएं ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन सेल की मेम्ब्रेन्स को क्या देता है? ड्यूरेबिलिटी। क्या देता है? ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ देता है। समझ आई भाई? पानी आएगा तो तोड़ेगा ना, जब आएगा ही नहीं तो क्या तोड़ेगा, सॉल्वेंट को आने ही नहीं देती, कितनी सियानी है लिपिड, देखे ना अकल। तो ये भाई हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी या आइस फॉर्मेशन। आइस की लो डेंसिटी है एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? आप कहेंगे सर जब पानी का नॉर्मल टेम्परेचर हो 25, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, यहां पे पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, पानी के मॉलिक्यूल आपस में मिले होंगे, जुड़े होंगे, कंडेंस होंगे ज्यादा, ठीक है। जब पानी का टेम्परेचर कम करेंगे 4 सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम में मैक्सिमम डेंसिटी होती है, 25 पे भी डेंसिटी ज्यादा है मगर 4 सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा है, हैवी वाटर है 4 सेंटीग्रेड पर। अगर 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम करें, 3 पे जाएं 2 पे जाएं 1 पे जाएं 0 सेंटीग्रेड पे जाएं, जब 0 सेंटीग्रेड पे जाते हैं तो वहां पे बन जाती है आइस। आइस कैसे बनती है? आप कहेंगे सर ये जो आपने पढ़ाया ना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये वाटर की जो बॉन्डिंग है आपस में, एक वाटर के साथ 4 वाटर की बॉन्डिंग थी ना भाई, वो ऐसे एक्सपांस कर जाएगी, यानी 4 सेंटीग्रेड से नीचे जब जाएंगे तो क्या होता जाएगा, एक्सपांशन होती जाएगी, पानी और पानी के बीच जो बॉन्ड है वो टाइट होता जाएगा, जब टाइट होता जाएगा वाटर के बीच स्पेस आ जाएगी और एक वाटर और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच ऐसी खाली जगह बन जाएंगी, क्योंकि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये जो बॉन्डिंग है उसको टाइट करके रखेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बाबा आज पढ़ाया तो कम रंधो आडाडो डाडो पोते थी आऊँ सुबाने पूछ लो हाँ सुबाने पूछ लो हाँ भाई अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम आदमी खड़े हुए हैं 10-15 थोड़ी जगह में, हम बाजू ऐसे मिला के हाथ मिला के खड़े हुए हैं, अगर हम बाजू को सीधा करें, हाथ हाथ में देकर खड़े हो जाएं, सीधा हाथ, दूसरा आदमी मुझे हाथ दे रहा है, वो मुझसे कितना दूर होगा? जितनी मेरी बाजू है उतनी उसकी है, तो दूर दूर खड़े हैं तो जगह ज्यादा लेंगे हम। अगर बाजू को नीचे करके हाथ खड़े के हो जाएं तो जगह कम लेंगे हम। तो बर्फ और पानी का ऐसा मिसाल है, पानी ऐसा है और बर्फ की बॉन्डिंग ऐसे है, टाइट है, एक्सपेंशन होती है 4 सेंटीग्रेड से कम,
जब 4 सेंटीग्रेड से बॉन्डिंग की एक्सपेंशन बॉन्डिंग टाइट होती है तो पानी एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है और बॉन्डिंग टाइट हो जाती है। जब बॉन्डिंग टाइट हो जाती है तो भाई उसको हम कहते हैं बर्फ। और आपने देखा होगा कि ये आपने लिया बर्तन, इसमें लिया आपने पानी, यहाँ तक नजर आ रहा है ना, ये पानी लिया आपने। अब पानी लेने के बाद जब ये आइस हो गई तो ऐसे ये ऊपर चली जाती है, क्यों कमेंट में बताएं क्यों ऊपर चली जाती है। आप कहेंगे सर वो जो आपने हाथ दिए ना, जो बॉन्डिंग टाइट करी ये ना जगह से एक्सपांशन, वेरी गुड, जो एक्सपांशन हुई उसकी वजह से जगह बहुत ले ली पानी ने और मॉलिक्यूल वही है। अगर इसको हम पिघलें, अगर इसको पिघलाएं तो वो ही हीट दें तो वही पानी सेम सतह पर आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूल बर्फ और पानी में उतने ही हैं, मगर बर्फ जगह ज्यादा लेती है, पानी जगह कम लेता है। मतलब पानी के हाथ ऐसे हैं, बर्फ के हाथ ऐसे हैं, समझा। हाथ मतलब बॉन्डिंग एक्सपांशन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे 0 सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम एक्सपांशन है आइस है। तो भाई आइस की डेंसिटी क्यों लो होगी, आइस पानी पे क्यों तैरती है, कमेंट में बताएं। लाइट चली गई है, मुझे कमेंट में बताएं जल्दी कमेंट में बताएं कि आइस पानी के ऊपर क्यों तैरती है भाई। हाँ, डेंसिटी कम है इसीलिए पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। ये बात मैंने आपकी मान ली कि आइस जो है वो बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है, उसकी डेंसिटी जो है कम है। तो अगर कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी है, नीचे लाइफ रह रही है, तो पानी के ऊपर बर्फ, ऊपर से बर्फ बनेगी, ऊपर रहेगी या पहले नीचे से बनेगी, कमेंट में बताएं। आप कह रहे हैं सर जब ठंड लगेगी तो ऊपर वाले पानी को लगेगी, नीचे वाले पानी पे ठंड जाएगी नहीं, तो जब बर्फ बनेगी ऊपर बनेगी, रहेगी ऊपर, नीचे भी नहीं जाएगी। अच्छा, बनेगी ऊपर क्यों, क्योंकि ठंड ऊपर से लगी, और रहेगी ऊपर क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम है। तो ऊपर रहेगी तो मुझे बताएं, अब नीचे वाले पानी का टेम्परेचर कम होगा, नीचे बर्फ बनेगी, अब दूसरी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये जो बर्फ बन गई ना, अब ये हीट को, कोल्ड को ट्रांसफर होने ही नहीं देगी, ये प्रोटेक्ट करेगी। तो जो बर्फबारी वाले इलाके हैं वहाँ पे पानी के ऊपर जब बर्फ बन जाती है तो ये लाइफ सिक्योर हो जाती है ठंड से, ये नॉर्मली सर्वाइव करती है, इनको ठंड इफेक्ट नहीं करती, बर्फ बनकर नीचे वाले पानी के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देती, प्रोटेक्ट करती है लाइफ को। ये जो प्रोटेक्शन कर रही है लाइफ की, इंसुलेटिंग लेयर तौर काम कर रहा है ये पानी, ये बर्फ, ठीक है। ये जो 4 सेंटीग्रेड में हैवी डेंसिटी है पानी की, इसे हम एनामोलस बिहेवियर कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर कहते हैं पानी का, वेरी लो डेंसिटी, और 4 सेंटीग्रेड के नीचे डेंसिटी कम करता है, 4 सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है, और 4 सेंटीग्रेड के ऊपर भी थोड़ी बहुत कम है। 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी है, 4 के नीचे लो डेंसिटी है। इस बिहेवियर जो चेंज कर रहा है डेंसिटी, इसको कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। ये भाई आपका हो गया पानी, कल आप अभी पानी पी लें, मैंने भी पानी नहीं पिया ताकि ये पानी के सारे फ़ायदे हमें मिल जाएं, ठीक है। चलो पानी पिएं और इंग्लिश की क्लास लें, पानी हो गया हमारा पूरा, ठीक है। कल वाला लेक्चर, तो कल वाला कौन सा लेक्चर था, अपलोड तो किया था बायो मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन, सर प्लीज़ ये लेक्चर अपलोड कर दें, प्लीज़ अभी कर रहा हूँ भाई, सर ये आप सेंड कर दे, हाजिर बाबा ज्योति अभी सेंड कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, गुड लक, ओके।